नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको हर एक चीज बताऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन करने वाला हूं। तो दोस्तों पहली जो ओपनिंग आई है दोस्तों वो आई है जॉब ओपनिंग बाय फॉर्ड कंपनी। तो दोस्तों यहां आपको जॉब लोकेशन मिलेगी चेन्नई और ये हायर कौन कौन से बैचेस को करने वाले हैं वो मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों फॉर्ड कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो दोस्तों ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीई और बीटेक के कैंडिडेट्स को हायरिंग कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आप ईसी सीएस और आईटी ब्रांच के हो तो दोस्तों आप सभी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, मिनिमम 7.0 या 70% आपकी होनी चाहिए, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों यहां कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि आपकी 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में दोस्तों, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी ओवरऑल 70 है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। नो एक्टिव बैकलॉग, दोस्तों आपकी कोई भी बैकलॉग भी नहीं होनी चाहिए एट द टाइम यू आर अप्लाइंग फॉर दिस। ओनली 2021 बैच इज एलिजिबल, तो इस चीज का भी दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट डेट है 21st जुलाई, तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर लीजिए क्योंकि दोस्तों फॉर्म कभी भी क्लोज हो जाएगा। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप इसका फॉर्म भरते हो तो पॉपअप आएगा कि आपको अपना कैमरा यूज करना है नहीं करना। तो दोस्तों मैंने अब ब्लॉक कर दिया है और अप्लाई बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों यहां आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी, अपनी फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन डिटेल्स की बात करता हूं तो दोस्तों 10th, 12th, 10th, 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो दोस्तों डिग्री, ब्रांच, सीजीपीए, पास आउट ईयर आ जाएगा। अदर्स की बात करता हूं, आर यू अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, तो दोस्तों हर एक चीज आपसे यहां पूछी जा रही है। अटैचमेंट, तो दोस्तों यहां रिज्यूमे जब भी आप यहां अटैच करोगे तो मेक श्योर आप अपना लेटेस्ट रिज्यूमे जरूर अटैच कीजिएगा क्योंकि अगर आपने अभी अभी कोई इंटर्नशिप कर रखी है, फिर अभी अभी कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है या फिर कोई भी कोर्स किया है, सर्टिफाइड कोर्स हो, उसको भी जरूर अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने फोटोग्राफ भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अलाउ टू एक्सेस योर कैमरा इन रिफ्रेश, तो दोस्तों आपको जो कैमरा अलाउ कर आप फोटो दे सकते हो, लाइव फोटो, तो दोस्तों इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। मैं आपको सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी बताता हूं जो कि है दोस्तों 2022 बैच के लिए और दोस्तों ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहां मैं सबसे पहले बता दूं, अमेज़न या साफ साफ लिख रखा है हायरिंग कर रहा है ग्रेजुएट इन 2022। बट बात करते हैं दोस्तों, बाय अप्लाइंग टू दिस पोजीशन योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल लोकेशन वी हायर फॉर इन इंडिया, दिस इंक्लूड्स बट इट इज नॉट लिमिटेड टू बैंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली एंड पुणे। तो दोस्तों आपको मल्टीपल लोकेशन मिलती है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें बैचलर और मास्टर डिग्री के कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले हैं। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूं तो दोस्तों यहां दोस्तों एक्सपीरियंस क्रॉस डिसिप्लिनरी अमेज़नियंस टू कंसीव, डिजाइन एंड ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू मार्केट, डिजाइन एंड बिल्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट एंड हेल्प लीड फंडामेंटल चेंजेस इन द इंडस्ट्री। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहां दोस्तों आप अभी भी कोई बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एनरोल्ड हो, साथ ही साथ दोस्तों सीएस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन के हो तो दोस्तों आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन में से कोई भी एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एल्गोरिथम डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब साथ ही साथ यार आपको ये बता दूं कि आज का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है कैसे, क्योंकि ऑफ कैंपस ड्राइव है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले, दो दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाला था शांतनु का, दोस्तों इन्होंने ऑफ कैंपस, अगर आप ये वीडियो देखोगे मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं, अदरवाइज इन्होंने इस वीडियो में अपने इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे इन्होंने अप्लाई किया, कितने दिन बाद मेल आता है, हर एक चीज मेंशन की है। बट दोस्तों एक बात जरूर बता दूं, इन्होंने अमेज़न में 2-3 बार अप्लाई किया था एंड शायद तीसरी या दूसरी बार में इनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ आइडिया जाएगा अमेज़न के बारे में कि कैसे हमें अप्लाई करना होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस की कि जो अमेज़न है और क्या क्या प्रेफर मांगता है, क्योंकि यार अमेज़न जो कंपनी है वहां आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। अगर मैं शांतनु की बात करता हूं तो दोस्तों इनको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है 10+ LPA का, जो कि मैं 10+ LPA दोस्तों बेस पैकेज है, मींस अच्छा खासा पैकेज है एज अ फ्रेशर। अगर मैं CTC की बात करता हूं तो दोस्तों वो CTC इनका रेंज है 25+, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा अच्छी कंपनी और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलती है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियसली कोई भी टेक्निकल इंटर्नशिप की होती है तो आपको फायदा मिलता है। एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टास्क सिस्टम्स, एल्गोरिथम एंड रिलेटेड डेटाबेसेस, दोस्तों मैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम पर कंसिडर करूंगा क्योंकि जो अमेज़न का इंटरव्यू होता है वो मेनली फोकस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पर। अगर आप शांतनु का इंटरव्यू देखोगे तो भी आपको बहुत चीजें आइडिया लग जाएंगी कि ये जो अमेज़न होता है
है, किन किन चीजों पर फोकस करता है, क्या क्या मांगता है, जो इनका रिटन टेस्ट होता है उस पर कैसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, इफेक्टिवली आर्टिकुलेट टेक्निकल चेंजेस एंड सॉल्यूशंस, एडेप्टेड हैंडलिंग एम्बिजियस एंड अनडिफाइंड प्रॉब्लम एज वेल एज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो दोस्तों आप बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों यहां बेंगलुरु मेंशन कर रखा है, बट आप यहां मैंने आपको मेंशन कर दिया कि लोकेशंस बहुत सारी होने वाली हैं, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करिएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा। ऐसा करके दोस्तों आपको सारी चीजें बनी है, रिज्यूमे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एलिजिबिलिटी। ऐसा करके लास्ट में अगर जैसे आप इस पर चेक इन करोगे, रिव्यू एंड सबमिट बटन भी ओपन हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी जाइए, दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करिए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।